मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक फ्राइड चिकन। तो ये है फ्राइड ढाका चिकन। तो इसकी जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको चाहिए चिकन के पीसेस, ये बोनलेस है, आपने इसको जो है सिंपली स्ट्रिप्स में कटवा लेना। ये देख लें इतने स्ट्रिप्स आप इसके कटवाते हैं, ठीक है, ज़रा खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए। तो ये इसमें चिकन हो गया, मसालों में जाएंगे तेल यानी कि ऑयल हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च दस क्रश्ड रेड चिली, लेमन जूस हो गया, नींबू का रस, सॉल्ट यानी कि नमक, चाट मसाला मेरा होममेड है, चंद अंडे जाएंगे दैट्स एग्स, और बीच में जाएगा कॉर्न फ्ला या कॉर्न स्टार्च जो आप इसको बुलाते हैं, बेसिकली वो है पाउडर जिससे हम ग्रेवी या सूप वगैरह को गाढ़ा करते हैं। तो ये हो गया, तेल में इसको हम करेंगे डीप फ्राई। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। अब हमने क्या करना है, चिकन को हमने करना है मैरिनेट। तो इसमें आप डालेंगे तमाम चीज़ें यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च चली गई, नमक और लेमन जूस, तेल, पहले इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि अच्छे से नमक वगैरह जो है तमाम पीसेस पे लग जाता है। तेल आप रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक हम ये तमाम चीज़ें इसको लगाएंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। और अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि कॉर्न फ्ला है, और इसके साथ ही बीच में आप जो अंडे दिखाए थे वो आपने फेंट कर डाल देने। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। प्लीज़ पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इस रेसिपी में पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। अंडे की मदद से ही थोड़ा बहुत जो लेमन जूस है, तेल वगैरह उसी के साथ में जो है इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए। तो ये आप कर लें, तेल गर्म करने रख दें और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें इसका टेक्स्चर कुछ यूँ होगा, ये देख लें आप, गौर कर लें कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। तो ये देखें आपको ऐसे लगेगा इसे चिपक नहीं रखा लेकिन कम्प्लीटली स्टिक हो चुका है, तेल हो गया है गर्म। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको फ्राई करना है। बीच में आप डालेंगे, तेल गर्म होना चाहिए और बीच में डाल देने के बाद आप फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं ताकि चिकन इनसाइड आउट कम्प्लीटली कुक हो जाए। बैटर्ड है ये, इस पर बैटर चढ़ा हुआ है, आप स्ट्रेटर में बीच में चमचा नहीं चलाएंगे, दो चार मिनट दीजिएगा, उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा ऊपर आएगा फिर आप इसकी साइड चेंज करते हैं। तो आपको दिखाते हैं, तो देख लें तेल बिल्कुल गर्म है, इसमें अब आप एक एक करके पीस डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और फिर जैसे ही ऊपर आएगा तब आपने फ्लेम को मीडियम पे कर देना है और अच्छी तरह चिकन को कुक होने देंगे। और फिर जैसा ये फ्राई होकर के बाहर निकलेंगे आप इसको टिश्यू पे रखेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन होने देंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली ये फ्राई अप हो रहे हैं, और जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ तब मैंने इसके अंदर जो है हल्का सा चमचा हिलाया था ताकि ये इक्वली फ्राई अप हो जाए। तो ये माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जैसे ही गोल्डन होंगे आप इन्हें निकालेंगे, पेपर टिश्यू पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और उसके बाद से हम करेंगे डिश आउट। तो देख लें परफेक्टली फ्राई हो गए, इसे निकाल के टिश्यू पर रखते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल करके प्लेट पर रखना है और फिर उसके बाद जो चाट मसाला है वो यहाँ पर आप इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे तमाम पीसेस के ऊपर, और फिर हम इसे जो है सर्व कर लेते हैं। तो इसी के से आप इसको बनाते हैं, ये बहुत चटपटा बनता है, आप यकीन माने ऊपर से इतना क्रिस्प है अंदर से सॉफ्ट, आपको एक आधा पीस तोड़कर भी दिखा देते हैं। तो ये देखें परफेक्टली चिकन डन, ठीक है। अब आप इसको ज़रूर बनाइएगा, कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ कुक विद फायज़ा डॉट नेट पर। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।